अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Redmi Note 12 4G। और इस स्मार्टफोन में सरप्राइजिंगली आ चुका है HyperOS का अपडेट। जी हाँ गाइस, अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे HyperOS 1.0.1 जो कि रन करता है एंड्रॉयड वर्जन 14 पे, एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है 1 दिसंबर 2023 का। ये कल ही मेरे पास आया है और मैं बता दूँ ये कोई चाइना वेरियंट नहीं है, ये है इंडियन वेरियंट Redmi Note 12 4G। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये है गाइस बिल्कुल ही स्टेबल रोम। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फ्लैश किया है, बूट लोडर अनलॉक करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली अपडेटर में आया। एंड ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंगली इसलिए है क्योंकि अभी अभी Redmi Note 13 लॉन्च हुआ था, एंड वो हुआ था दोस्तों MIUI 14 पे, एंड कहा गया था कि HyperOS का अपडेट अगले 1 से 2 महीने में आ जाएगा। बट उससे एक साल पुराने डिवाइस जो कि Redmi Note 12 है, उसमें Redmi Note 13 से पहले आ चुका है HyperOS का अपडेट। सो इट्स क्लियरली अ सरप्राइजिंगली थिंग। एंड बहुत सारे डिवाइसेस में अभी तक अपडेट आया भी नहीं है, बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस में आ रहे हैं अभी, जैसे कि MI सीरीज के डिवाइसेस में। वैसे में Redmi Note सीरीज में 12 में आ जाना HyperOS, ये सरप्राइजिंगली तो होना ही था गाइस, इस वजह से मैं थोड़ा सा चौंक गया। लेकिन जब मैंने चेक किया कि आखिर इस HyperOS में क्या कुछ नया है, क्या HyperOS के सारे फीचर्स मिलते या नहीं मिलते हैं, तो मैं बता दूं यहां पे आप लोग भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग होने वाले हो, क्योंकि ये जो Redmi Note 12 4G है एक बहुत ही बजट डिवाइस है, एक बहुत ही बजट प्रोसेसर वाला डिवाइस है, तो HyperOS के बहुत सारे विजुअल चेंजेस को हैंडल करना इसके लिए इजी नहीं है। इसलिए ये एक तरह का HyperOS का स्पेशल वर्जन है जो कि बजट डिवाइसेस के लिए है, एंड मोस्टली बजट डिवाइसेस में जो कि 20,000-25,000 के अंदर होंगे, उनमें आपको कुछ इसी तरह का HyperOS का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो किस तरह का, मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बहुत ही कम एनिमेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे मैं अगर ऑन करूँ यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन पैनल, तो जी हाँ नया वाला नोटिफिकेशन पैनल तो मिलता है, एंड यहाँ पे ये सब यहाँ पे एनिमेशंस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने में। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहोगे कि ऐप ओपनिंग एनिमेशन कैसा है, तो जी हाँ आपको उसी तरह का बिल्कुल ही नॉर्मल एनिमेशन मिलेगा, जिस पे प्रोसेसर पे ज़्यादा जो है इफेक्ट यहाँ पे ना मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन के साथ में आता है, कोई खास यहाँ पे जबरदस्त एनिमेशन के साथ में नहीं आता है। उसी तरह से अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन एंड ट्रांजिशन देखोगे, जो कि बाकी सभी डिवाइसेस में बहुत ही कूल होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे गाइस तो आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांजिशन नहीं है, बस अचानक से ये जो क्लॉक है वो आ जाता है लॉक स्क्रीन पे। तो किसी भी तरह का यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है, बहुत ही कम है गाइस, बहुत ही लिमिटेड है। एंड इससे जो सस्ते डिवाइसेस होंगे उनमें तो और भी लिमिटेड जो है ट्रांजिशन होंगे। अगर हम लॉक स्क्रीन एडिटर की बात कर ले, तो अगर आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, तो जी हाँ गाइस इसमें आपको लॉक स्क्रीन एडिटर खुलता है, जिसमें आप अलग अलग लॉक स्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे ये वाला लॉक स्क्रीन अप्लाई करोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जी हाँ गाइस, इसी का जो है क्लॉक आपको नजर आएगा, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेम इसी का क्लॉक का लेआउट आएगा। तो जी हाँ, यहाँ पे एकदम से सीमलेस तो लगता है, यहाँ पे AOD से लॉक स्क्रीन का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा सीमलेस तो लगता है, लेकिन ट्रांजिशन या एनिमेशन यहाँ पे नहीं लगता। अब ये जो यहाँ पे लॉक स्क्रीन एडिटर दिया गया है HyperOS का, जो कि मेन फंक्शन है, इसमें भी थोड़ी बहुत कटौती की गई है, मतलब थोड़े से कम फीचर्स है। जैसे कि जी हाँ, आपको यहाँ पे क्लासिक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप क्लासिक वाले डाल सकते हो, इसमें आपको रोमबस का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको बीच में बड़े बड़े क्लॉक्स दिखते हैं, लेकिन इसमें आपको कहीं से भी डेप्थ इफेक्ट वाला लॉक स्क्रीन देखने को नहीं मिलता। तो गाइज अगर आप चाहो कि डेप्थ इफेक्ट लगा लो, वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं ये वाला क्लॉक चूज करूँ, इसमें कस्टमाइज में जाऊँ, वॉलपेपर में जाऊँ, एंड यहाँ पे लेट से मैं अपना कोई फोटो चूज करूँ एज अ लॉक स्क्रीन, चाहूँ कि इसमें डेप्थ इफेक्ट ला दूँ, नहीं गाइज, ये लॉक स्क्रीन क्लॉक के पीछे ही आएगा, डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं आएगा। तो जी हाँ, ये सब जो फीचर्स है ये काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर पर काम करते हैं, या एटलीस्ट मिड रेंज वाले प्रोसेसर उस पर काम करते हैं, लेकिन इस प्रोसेसर पे वो सब फीचर दिया जाए तो जी हाँ स्लो काम करने लगेगा HyperOS, इसलिए हटा लिया गया। अगर आप फिल्टर में जाओगे तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन वाला फिल्टर मिल जाता है, जी हाँ गाइस, जो कि ग्लास इफेक्ट है, बट इसमें भी लिमिटेड ही फिल्टर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी आपको मैट इफेक्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो नो प्रॉब्लम विथ दैट गाइस, ये अच्छा लगता है देखने में। तो जी हाँ, जैसा कि आपने जाना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको फंक्शंस नहीं मिलते लॉक स्क्रीन एडिटिंग का ऑप्शन। उसी तरह से अगर आप राइट की ओर स्वाइप करोगे, यहाँ पे आपको लाइट मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें वॉलपेपर, कैरोसेल, गूगल पे, होम, MI रिमोट वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड एक नया फीचर आया जो कि मुझे अच्छा लगा, एंड वो है गाइस ग्लोबल सर्च का ऑप्शन। तो अगर आप नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो ये सर्च का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कुछ भी लिख करके सर्च करोगे, और अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप इंटरनेट पे भी उसे डायरेक्टली यहीं से सर्च यहाँ पे कर सकते हो, गूगल वगैरह पे। तो ये ग्लोबल सर्च का ऑप्शन बहुत सालों से इंतजार था हमारा, जो कि चाइना रोम में था, लेकिन इंडियन रोम में नहीं था, ग्लोबल रोम में नहीं था, ये फाइनली यहाँ पे आ चुका है। आप इस ग्लोबल सर्च में आप सेटिंग्स में जाकर के ये भी चूज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जो सर्च होना चाहिए, तो आप
चाहो तो लोकल फाइल्स में भी सर्च करना इनेबल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी सर्च होना चाहिए इनेबल कर सकते हो, या फिर चाहो तो सर्च को ऑफ ही यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ऐप्स गेट ऐप सेटिंग्स हर जगह ये सर्च करता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, और ये अच्छे से काम करता है गाइस। बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है फाइनली। आप चाहते हो इसमें गूगल का सर्च भी विजिट वगैरह लगा लो, या ऊपर की ओर स्वाइप करोगे सेटिंग्स में जाके इनेबल करोगे तो गूगल का सर्च भी यहाँ पे खुल जाता है, नो प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल ही नया वाला मिल जाता है, लेकिन आप इसमें भी देखोगे कि इसमें भी थोड़ा सा कटौती किया गया। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन वगैरह तो दे दिया गया, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा, यहाँ पे लेआउट भी वैसे ही दे दिया गया, यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर का भी एनिमेशन अच्छा लगता है। लेकिन कटौती यहाँ पे क्या किया गया कि अगर आप देखोगे बैकग्राउंड, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे आपको हेजी बैकग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ ग्रेश बैकग्राउंड है, जो कि किसी भी वॉलपेपर पर लगा लो तो यही ग्रेश बैकग्राउंड खुलेगा। तो जी हाँ, बहुत ही लिमिटेड आपको विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इससे हमें यहाँ पे समझ में आता है। बहुत ही लिमिटेड आपको यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह जो है कंट्रोल दिया गया है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड हाइपर ओएस अपडेट, बट बजट डिवाइसेस में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे सेम बिल्कुल वही चीज है जो कि MIUI 14 में होती थी। आपको थोड़े बहुत इधर उधर जो है UI के एलिमेंट्स को चेंज किया गया। जैसे अगर आप वॉलपेपर में जाओगे तो वॉलपेपर के अंदर में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्टाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया गया है, बाकी सब ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सेम है। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर आप जाओगे तो आपको फोर स्लाइडर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड को इनेबल कर दोगे तो आप यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हो तो यहाँ पे चार अलग अलग स्लाइडर देखने को मिलेगा, वरना अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो तो आपको फिर सिर्फ और सिर्फ तीन ही यहाँ पे स्लाइडर देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगा चलो अच्छा है, नोटिफिकेशन पैनल को आप एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। बाकी सब कुछ जो है बिल्कुल ही सिमिलर है। आपको एक नया फॉन्ट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप थीम्स ऐप में जाओगे यहाँ पे फॉन्ट्स में जाओगे तो आपको एक नया MI Sans का फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फॉन्ट देखने में लगता है, अच्छा फॉन्ट देखने में लगता है। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ही सेम है। बैटरी में आपको UI जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, तो पहले कुछ इस पहले अलग UI आता था, अब कुछ इस तरह का UI आता जिसमें यहाँ पे करंट मोड मिलता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा कूल है हॉट है क्या है, एंड नाइट टाइम प्रोटेक्शन वगैरह एडिशनल फीचर्स में भी आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन SO टाइम या SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम जो है यहाँ पे हटा लिया गया है, जो कि हर एक फोन में ऐसा यहाँ पे हुआ है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको 90 FPS का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, बजट प्रोसेसर में भी आप 90 FPS में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, चलो ठीक है गाइज। और उसके अलावा गाइज यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज बिल्कुल वही साइड बार ऑप्शन को देखने को मिल जाता है, जहां से आप जो है फ्लोटिंग विंडो ओपन करके एप्लीकेशन वगैरह को यहां से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो छोटा विंडो में। तो जी हां, इसमें आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहां पे छोटा बड़ा विंडो करने का, या फिर गाइस इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि यहां पे बेसिकली हाइपर ओएस में जो फीचर्स मिलते हैं ना वो आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं फ्लोटिंग विंडो वाले। तो ये काफी ज्यादा मुझे मतलब अच्छा लगा, चलो एटलीस्ट इतना तो इन्होंने दिया है। मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, सेकंड स्पेस वगैरह का सारा ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं है गाइस। तो ओवरऑल चेंजेस काफी अच्छे हुए हैं, एंड ओवरऑल गाइस मतलब कुछ कटौती भी यहाँ पे की गई है। अब एप्स वगैरह में कुछ नई नई चीजें अपडेट हुई है, जैसे कि अगर आप गैलरी में जाओगे तो आपको बस ये UI थोड़ा सा अपडेट है, हालांकि गैलरी में कोई भी नया फीचर यहाँ पे नहीं आया, जैसे कि पहले भी स्काई फिल्टर वगैरह नहीं था एंड अभी भी आपको स्काई फिल्टर नहीं है, एंड क्रिएटिविटी में आपको कोलाज वगैरह मिल जाता है। तो अगर मैं इसकी एडिटिंग वगैरह में जाऊँ तो आप देखोगे कि सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी AI में स्काई फिल्टर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फिल्टर वगैरह में जाओगे तो जी नए नए फिल्टर यहाँ पे दिए गए जो कि प्रोफेशनल फिल्टर रखते हैं, लेकिन अगेन जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जैसे बोके मोड वगैरह वो सब आपको यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, इवन वीडियो एडिटर आपको प्रोफेशनल देखने को नहीं मिलता। बाकी दोस्तों चेंजेस क्या हुए, तो जैसे वेदर ऐप है ये बिल्कुल ही नया तरह का UI यहाँ पे कर दिया गया वेदर ऐप का, उसी तरह से सिक्योरिटी ऐप का भी थोड़ा बहुत नया यहाँ पे UI हो गया है, जहाँ पे नीचे में रिकमेंडेशन वगैरह दिखाएगा। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप जाओगे फाइल मैनेजर में तो ये भी बिल्कुल नया वाला फाइल मैनेजर हो गया है, यहाँ पे अगर आप स्टोरेज वगैरह में जाते हो तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे टाइप दिखाता है, जहाँ से आप चूज कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट देखना है इमेजेस देखना है। तो ये जो है नया मतलब जो चाइना रॉम में हुआ करता था फाइल मैनेजर वही यहाँ पे आ गया है। कैलेंडर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैलकुलेटर है तो वो भी उसका भी UI जो है काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है, उसी तरह से रिकॉर्डर एप्लीकेशन का UI डिफरेंट हो गया है, उसी तरह से गाइस स्कैनर डाउनलोड्स कॉम्पास इन सब के भी थोड़े थोड़े UI में चेंजेस हुए हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। एंड उसी तरह से नोट्स ऐप में भी आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है थोड़ा बहुत हो गया, थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर दिए गए, बट एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। एंड फाइनली जो कैमरा ऐप है यहाँ पे जो है आपको ये बड़े चेंज हुए हैं कि आपका जो UI है पूरा ऊपर से नीचे कुछ इस तरह का देखने में हो गया है, लेकिन इसमें भी आपको कोई नया फीचर यहाँ पे ऐड देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल सेम वही सारे फीचर्स मिलते हैं, 50 MP शॉर्ट वीडियो पैनोरामा स्लो मोशन टाइम लैप्स यही सब ऑप्शन मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको लॉन्ग एक्सपोजर मोड या फिर व्लॉग मोड ये सब आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगेन इट्स अ बजट प्रोसेसर वाला फोन।
तो नॉट अ मिड रेंज फ्लैगशिप या फिर नॉट अ फ्लैगशिप फोन। सो इस वजह से आपको बहुत सारे फीचर्स कम मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि हाइपरोस एक अच्छा अपडेट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्नैपी यूआई हो गया है दोस्तों, बिल्कुल ही लैग फ्री यहाँ पे काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए हुए था बजट फोन्स में। अगर बजट फोन्स में हाइपरोस आना था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि थोड़े से और फीचर्स को लेकर के आएगा, जो टिपिकल MIUI होता था पहले पुराने प्रोसेसर्स के लिए, स्लो प्रोसेसर्स के लिए, उससे थोड़ा सा मे भी ज़्यादा फीचर्स लेकर के आए या फिर डाउनलोडेबल कंटेंट्स हो जिससे हम लोग फीचर्स को इसमें ऐड कर सके। बट वैसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट आप कह लो कि भाई इट्स अ MIUI 15 का अपडेट है, बस लॉक स्क्रीन थोड़ा बहुत डाल दिया, थोड़े बहुत यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर दिया, एक सर्च बार यहाँ पे डाल दिया, थोड़े बहुत एनिमेशन को एंड कलर्स को चेंज कर दिया, थीमिंग चेंज कर दिया एंड बन गया HyperOS। लेकिन गाइज HyperOS का असली मजा फ्लैगशिप फोन में आता है या फिर जो 20-25 हज़ार से ऊपर के फोन है उनमें ही आता है। ये बजट फोन्स में 20 हज़ार के अंदर वाले फोन्स में HyperOS वैसा ही है जैसा MIUI हुआ करता था, कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। बट स्टिल ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक अच्छी चेंज है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। एंड लास्ट चीज़ मैं बता दूँ, व्हाट्सएप में भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ था, बस यही लिखा हुआ था। चलो ठीक है।